नमस्कार दोस्तों, बेसिक सीएनसी प्रोग्रामिंग ए टू जेड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर करना ना भूले। तो चलो शुरू करते हैं। थ्रेडिंग के लिए सीएनसी मशीन पर टूल लगाने का सही तरीका। आज की वीडियो में हम जानेंगे थ्रेडिंग के कितने टाइप होते हैं और थ्रेडिंग के लिए टूल बांधने का सही तरीका। पहले तो ये जानते हैं कि थ्रेडिंग के कितने टाइप होते हैं। दोस्तों, थ्रेडिंग के दो टाइप होते हैं। पहला है राइट हैंड थ्रेडिंग और दूसरा लेफ्ट हैंड थ्रेडिंग। ओडी या आईडी पे जो थ्रेडिंग काटते हैं उसके दो ही प्रकार होते हैं, दो ही टाइप होते हैं। कौन सी भी थ्रेडिंग करे उसके दो ही प्रकार होते हैं, एक एलएच और दूसरा आरएच, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। अब हमें यह पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड थ्रेडिंग को टूल कैसे बांधना है और राइट हैंड थ्रेडिंग को टूल कैसे बांधना है, उसकी क्या मेथड है ये हम जानेंगे। दोस्तों, मैक्सिमम थ्रेडिंग जो है राइट हैंड ही होती है। राइट हैंड थ्रेडिंग में हमारे इंसर्ट पे लिखा होता है कि ER 1.5। इसका क्या मतलब होता है देखिए, ER 1.5, इसमें जो E है, E का मतलब होता है एक्सटर्नल और R का मतलब होता है राइट हैंड, और ये जो 1.5 है वो पिच है। दोस्तों, आपको राइट हैंड थ्रेडिंग करनी है तो राइट हैंड इंसर्ट ही लेना है। ER का जो इधर ER लिखा हुआ है यही ER का इंसर्ट ही लेना है। इधर IR लिखा होता है तो वो इंटरनल के लिए होता है, या ER लिखा है मतलब एक्सटर्नल के लिए है। एक्सटर्नल राइट हैंड थ्रेडिंग में हमें ये पॉइंट याद रखने होंगे। पहला है कि इंसर्ट ER की होनी चाहिए, और दूसरा है कि हम एक्सटर्नल राइट हैंड थ्रेडिंग कर रहे हैं। राइट हैंड थ्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारा टूल होल्डर भी राइट हैंड ही होगा, तो इसलिए टूल होल्डर हमारा राइट हैंड ही होना चाहिए। और तीसरा है, इसका रोटेशन CCW होना चाहिए, मतलब क्राउन क्लॉक वाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में हमारा स्पिंडल घूमना चाहिए। हमें इन तीनों चीज़ों को याद रखना होगा। ये देखिए, हमारा लेफ्ट हैंड टूल कैसे होता है। हमने एग्जांपल के लिए हमने यहाँ TNMG का टूल होल्डर दिखाया है, और ये देखिए राइट हैंड टूल कैसा होता है। उसका मुंह राइट साइड में होता है। इसका कैसे यूज करें, हमारे मशीन के सिस्टम में तो लेफ्ट हैंड टूल का ही यूज होता है, तो इसको हम उल्टा बांधेंगे। इसका खास ध्यान रखें, राइट हैंड थ्रेडिंग करने के लिए राइट हैंड टूल का ही यूज करना है और उसे उल्टा बांधना है। यह हमारा थ्रेडिंग टूल है, उल्टा बांधने से ऐसा दिखता है। दोस्तों, याद रखने के लिए सिंपल है, राइट हैंड थ्रेडिंग करनी है तो राइट हैंड टूल का ही यूज करना है, सिर्फ टूल को उल्टा बांधना है और RPM CCW घुमाना है, मतलब स्पिंडल को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना है, और इंसर्ट ER की यूज करनी है। ER मतलब एक्सटर्नल राइट हैंड। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।